अभी मेरा फ्रेंड आया दिल्ली से, तो ये देखिए। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इस्लाम मोड व्लॉगर आपका मैं चैनल में सभी को स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज ईद के बाद पहला मोटो व्लॉग होगा, तो अभी हम आए हैं बाबूडांगा गाड़ी अपना वॉश करवाने। यहाँ से वॉश करवा के आप लोग से मोटो व्लॉगर सेटअप में मिलते हैं। जैसा आप लोग देखे हैं मेरा वॉश हो गया गाड़ी, तो आपको मोटो व्लॉगर सेटअप में मिलते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। हे गाइस, तो हम आ गया मोटो व्लॉगिंग का सेटअप में। तो अभी हम लोग यहां से जाएंगे कलकत्ता का सबसे बेस्ट बिरयानी, और आप लोग को बताएंगे वहां जाकर कि कहां जा रहे हैं हम लोग। और रही बात, और भी मेरा फ्रेंड आया दिल्ली से, तो ये देखिए। हाय एवरीवन, सनी नाम है मेरा, तो इसका भी एक चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो। फ्लाइंग देसी के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए अभी तुरंत, लिंक में डाल देना है। सब्सक्राइब करो, इसका लिंक हम दे देंगे आपको, तो आपको वहीं जाकर मिलते हैं। आज तो अभी हम लोग पेट्रोल भरा के अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पाली पाली, अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो मेरा अभी फ्रेंड एक तो आ रहा है जो आर एस चला रहा है, वो अभी तक पीछे रह गया है, उसका वेट करना होगा मुझे। चलो आ गया ये मेरा फ्रेंड, ये आर एस चला रहा है। क्या खूबसूरत वेदर है, देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत वेदर लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग यहाँ रुके, थोड़ा फोटो को क्लिक करवा लेते हैं। काफ़ी दिन हो गया यहाँ रुके हुए, तो आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, तो आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस, तो अभी हम लोग का हो गया यहाँ फोटो वोटो शूट हो गया है। तो ये दस्तेश्वर ब्रिज है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिरयानी खाने के लिए, तो आप लोग को वहाँ जाकर आप लोग से बात करते हैं। ये देखो कैसा पागल जैसा चला रहा है, क्या बोले इसको। अभी हम लोग पहुंचे हैं टीटागढ़। ये देखिए, ये टीटागढ़ का मार्केट है, बाजार है। A few hours later. तो हम लोग पहुंच चुके हैं बैरकपुर, तो यहाँ से हम लोग राइड लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दादा बॉडी, जो आपको नहीं बताया है, तो अभी अब बता रहे हैं हम लोग जा रहे हैं दादा बॉडी बिरयानी खाने के लिए, तो लंच वहीं करेंगे। काफ़ी लेट हो गया, शाम हो गया, और ये वीडियो, ये गाड़ी का आपको वीडियो देखना है तो लिंक आई बटन में क्लिक कीजिएगा, तो इसका आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। तो हम लोग आ गया, ये देखिए सीधा जो जा रहा है वो बैरकपुर स्टेशन है, तो हम लोग वहीं
सामने में दादा बॉडी है, हम लोग दादा बॉडी में जाएंगे तो आप लोग से बात करते हैं, उतर कर पार्किंग कर देते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। हम लोग आ चुके हैं दादा बॉडी, ये बैरकपुर स्टेशन है, यह सामने में सियालदह से आपको ट्रेन मिल जाएगा। सियालदह से दादा बॉडी का बिरयानी बहुत स्पेशल बिरयानी है, तो अभी हम लोग आए हैं, दिखा दो तो अब अंदर जाकर आप लोग को बात करते हैं, चलो। रूफ टॉप है, यहाँ भी आप आइए, बहुत अच्छा नजारा मिलेगा यहाँ देखने। तो अभी हम लोग सीट खोजते हैं, सीट पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। यहाँ का एमबीएस देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, ये दादा बॉडी का ये मेन्यू है, आपको पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मटन है, मटन बिरयानी, और ये देखिए ये पीस बहुत बड़ा है, और ये मेरा देखिए ये चिकन बिरयानी है, ये इसका भी बहुत चिकन बहुत बड़ा है और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा देता है, और मेरा फ्रेंड भी लिया है, ये मटन है ये देखिए, और ये चिकन है। तो आपको ये बिरयानी का टेस्ट कैसा लगा? बिरयानी मैंने बहुत जगह खाया है, इसके अलावा भी कई जगह, कई हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े होटलों में खाया है, मगर यहाँ का जो बिरयानी था मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाजवाब, फैंटास्टिक, अमेजिंग, एडोरेबल, बहुत ही, मतलब इसका चावल है ना, देखिए आप देख सकते हो एकदम क्लीन, एकदम पतला, और जो इसका जो गोश्त वोश जो भी था, मटन वटन, बहुत ही हाई क्वालिटी का था, खाने में बहुत अच्छा, दाम भी ले रहा है इसी हिसाब से, मैं क्या कीजिएगा, दाम आप देखिएगा तो खा नहीं सकते, दाम नहीं देखना पड़ेगा, ये बात तो सही है। आपको दाम के अलावा सब चीज़ इसमें अच्छा है, एसी इन्वायरमेंट भी अच्छा है, बाहर रूफ टॉप का भी इंतजाम किया गया है, आपको बाहर जाके खाना, बाहर या एसी का भी इन्वायरमेंट अच्छा है, ऑल ओवर अच्छा था बिरयानी, अच्छा था। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है शाम का टाइम में, हम लोग बिरयानी खा चुके हैं, बिरयानी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था, बहुत लाजवाब था। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे घर, और आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तो चलते हैं, बाय। Cause life gets hard, it might leave scars, can tear you apart if you let it be smart, yeah.